केरल के पल्लकड़ में 3 दिवसीय आरएसएस के समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में पहले दिन कुल 4 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें संघ के विभिन्न संगठनों के कार्यों और राष्ट्रीय महत्वों के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहले सत्र में संघ ने केरल के वायनाड त्रासदी के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा किए गए सेवा और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। संघ का उद्देश्य था कि इन कार्यों की सराहना की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। दूसरे सत्र में संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों के संगठनात्मक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इसमें संगठन को और भी मजबूत बनाने और विभिन्न संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उपायों पर विचार किया गया। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चुनाव हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान पंजाब की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही नक्सली हिंसा में आई कमी और केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा एक सत्र में अलग अलग संगठनों के समूह बनाकर संगठनात्मक समन्वय के विषयों पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरी बैठक में सक्रिय रूप से शामिल रहे और संघ की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में आगामी कार्यक्रम और योजनाओं के विषय में भी विचार साझा किए गए, ताकि संघ के विभिन्न संगठनों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। पलक्कड़ में आयोजित यह बैठक कल तक चलेगी, जिसमें 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय निर्माण के मुख्य 5 पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों और राष्ट्रीय समस्याओं पर गहन विचार विमर्श करना और संघ के सभी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि समाज और देश के विकास में योगदान दिया जा सके। Om Shanti Shanti Shanti।